अस्सलाम वालेकुम। इस हफ्ते किस फैन के घर बेटा या बेटी पैदा हो रही है कमेंट बताएं, उसको मेरी तरफ से एक अच्छा सा गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोगों का कहना है कि ये भाई फेक है और ये ईदी नहीं दे रहा, तो ये सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूँ, अपने दिल से बताएं कि मैं आपको फेक लगता हूँ। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। गुस्से से बचें क्योंकि गुस्सा आंखें बंद कर देता है और मुंह खोल देता है। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखें, मक्खन लगाने वालों के हाथों में हमेशा चाकू होता है। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। पता नहीं हम रब से अपने जुड़ने के लिए अपने टूटने का इंतजार क्यों करते हैं। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। एक भाई का मैसेज आया कि मेरी माँ से खड़े होकर वुजू नहीं किया जाता, कोई ऐसी चीज हो जो उनके लिए आसानी हो जाए, तो ये चाइना वालों ने बड़ा खूबसूरत एक वुजू पेशे भेजा है, इसलिए आपकी माँ वुजू कर सकती है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। तौफीक भाई का मैसेज आया कि भाई आपने मेरी शॉप से शूज लिए थे, अब मुझे भी आपसे गिफ्ट चाहिए, तो तौफीक भाई आपने तो मुझे डिस्काउंट तक नहीं दिया था, अलबत्ता आपका भाई आपको जरूर गिफ्ट करेगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। चाइना वालों ने बड़ी खूबसूरत एक वॉशरूम की वैनिटी भेजी है 4 फुट के साइज में, साथ उन्होंने टैब भी साथ दिए हॉट एंड कोल्ड के साथ, और साथ आप इसके ड्रॉ भी है, आप इजीली अपने वॉशरूम के रिलेटेड कोई भी चीज आप उसके अंदर रख सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। 3 चीजें सबकी अलग होती है, सूरत, सीरत और किस्मत। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। हमारे घर में मक्खियों का छत्ता बन गया है और समझ नहीं लग रही इसको कैसे उतारे, दिल तो कह रहा है उतारने का, लेकिन आप कमेंट बताएं इसको उतारने का तरीका क्या होता है। ठीक है, अल्लाह हाफिज।